सो गाइस नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन अपार्टमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड संशोधन आपको कराना है तो अपना आधार कार्ड या फिर बच्चे का आधार कार्ड संशोधन कराना है, जैसे कि आधार में क्या आपको संशोधन कराना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया और उसके बाद मोबाइल नंबर ऐड कराना है या फिर ईमेल आईडी ऐड कराना है, फिर एड्रेस चेंज कराना है, तो कैसे आप अपार्टमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। जैसे कि अपार्टमेंट बुक करने से आपको ये फायदा रहता है कि जैसे कि आपकी समय की भी बचत होती है, उसके बाद वो अपार्टमेंट कैसे आप बुक करेंगे, उसके बाद आपको अपार्टमेंट बुक करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा, उसके बाद रिसीविंग मिलने पर आप तुरंत किसी भी आधार सेंटर पर जाकर आप अपना अपार्टमेंट जिस संबंधी आपने जैसे कि आपको यानी कि आपको एड्रेस चेंज कराना है तो उस संबंधी आपने अपार्टमेंट बुक किया है या फिर आपको मोबाइल नंबर ऐड कराना है आधार कार्ड पर उस संबंधी अपार्टमेंट बुक किया है, तो ऐसे में आपको आसानी रहता है। यानी कि दुकान यानी कि आपको आधार कार्ड जो संचालक रहते हैं सेंटर के संचालक उनको भी आसानी रहता है, यानी कि आपको नंबर ऐड करने में आने के समय नहीं होता, उनको फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, उसके बाद तुरंत यानी कि आपको यानी कि मोबाइल नंबर या फिर जन्मतिथि हो गया तो उसे तुरंत ऐड कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं। कैसे आप अपना अपार्टमेंट स्वयं ही घर बैठे ही बुक कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो पर वही बताया। शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो पर वॉच करें और प्लीज जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अपनी अपार्टमेंट बुक कराने के लिए सर्वप्रथम आपको यानी कि आधार कार्ड की मुख्य वेबसाइट यानी कि जैसे मैंने खोला है इस तरह आप ओपन कर लेंगे आधार कार्ड की मुख्य वेबसाइट, आप मेन पेज पे चले आएंगे आधार कार्ड की वेबसाइट वाले पे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यानी कि एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बुक अपार्टमेंट, इसी पर आपको ओके कर देना। मैं फिर से आपको ये हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ, ये बुक अपार्टमेंट आप इस पर ओके कर देंगे। यहाँ पर दिखाया है बुक इन अपार्टमेंट, आपको इसी पर ओके कर देना है। आप जैसे ही इस पर ओके कर देंगे आपको नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद ये देखो आपको तमाम ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको आधार कार्ड में संशोधन के लिए आपको क्या यानी कि आप संशोधन करना चाहते हैं, नेम अपडेट, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जनरल हो गया, बायोमेट्रिक्स, फोटो, फिंगर, ये इतने ऑप्शन हैं जो कि आप अपना आधार कार्ड में अपडेट करवा सकते हैं, जैसे यानी कि अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किन आपको क्या क्या आपको यानी कि आधार कार्ड में क्या आपको संशोधन कराना है, अपॉइंटमेंट यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद ये आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी जिस संबंधी आप यानी कि अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट सिटी लोकेशन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कहाँ से आप यानी कि इसे आप कहाँ से आप संशोधन करवाना चाहते हैं। तमाम इसमें ऑप्शन है, आप जहाँ के जिस ज़िले के होंगे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे अपना ज़िला, इसमें तमाम आपको दिखाई दे रहा है, उसी पर आप यानी कि सिलेक्ट कर लेंगे एक ही, चाहे जहाँ के हो आप वहाँ के आप यानी कि सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप नीचे चले आना, इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस टू बुक अपार्टमेंट, यहाँ पर आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा, इस तरह आपको यानी कि ऑप्शन आपको खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यानी कि आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर बता रहा है, आप जो भी यानी कि मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं कि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी तो आप उस पर एक मोबाइल नंबर यानी कि मोबाइल नंबर डाल देंगे। मान लीजिए मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो, आप मोबाइल नंबर जो भी हो आपके पास मोबाइल नंबर जो अपडेट करना चाहते हो एक मोबाइल नंबर आप डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे, आप जो भी यानी कि मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं उससे आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड ओटीपी पर ओके कर देंगे। सेंड ओटीपी पर ओके करने के बाद तो आपको यहाँ पर एक ओटीपी आपके यानी कि जिस नंबर पर आपने ओटीपी सेंड किया है उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको जहाँ इंटर ओटीपी दिखाई दे रहा है आप उस पर ओके कर देंगे, वही ओटीपी नंबर दर्ज कर देंगे। ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है योर एप्लीकेशन डिटेल अवेलेबल ओनली वन मंथ, इस पर आपको दिखाई एक्टिव। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना एड द एनरोलमेंट अपडेट आधार, यानी कि आपको अपडेट यानी कि अपडेट आधार पर ओके कर देंगे। मान लीजिए आपको आधार अपडेट कराना है तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आपको तमाम ऑप्शन आ गया है आपको क्या यानी कि अपडेट आधार कार्ड में क्या आपको अपडेट कराना है। जैसे कि इसमें आपको इसमें तमाम आपको डिटेल दिया गया है। आप अपना यानी कि सर्वप्रथम जिनका यानी कि आप आधार कार्ड संशोधन कराना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप लगवाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उनका यानी कि यहाँ पर आप अपना यहाँ पर नेम दिखाई दे रहा है अपन नेम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड संख्या डाल देंगे। जैसे कि आपको यानी कि यहाँ पर तमाम ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप नेम लिख देंगे। उसके बाद जिनका आधार कार्ड है यानी कि संशोधन करा उनका आधार कार्ड नंबर लिख देंगे। उसके बाद मान लीजिए नेम करप्शन करा नेम आप यानी कि सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या जनरल उस पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में करप्शन करवाओ उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर, इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी लगवा सकते हैं, एड्रेस लगवा सकते हैं। उसके बाद बायोमेट्रिक्स भी अपडेट करवा सकते हैं आप ऑनलाइन। इसे ऐसा प्रोसीजर है तमाम ऐसे आप उसके बाद यानी कि आप जो आधार कार्ड यानी कि ये ईमेल नेम लिखने के बाद उसके बाद आप प्रोसीड पर ओके कर देंगे। जैसे कि मुझे मान लीजिए मुझे यानी कि ईमेल मोबाइल नंबर ऐड कराना है तो मोबाइल नंबर ऐड कराने पर हम क्या करेंगे इसी पर हम ओके कर देंगे। मान लीजिए मुझे यानी कि आप अपना यानी कि नाम लिखकर जो भी आपको अपना नाम है उसे आप लिखकर उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप यानी कि प्रोसीड पर लास्ट में जो दिखाई दे रहा है उस पर आप ओके कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, मान लीजिए मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं तो उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको आप अपना नाम आपको सेव ऑप्शन पर ओके कर देंगे। सेव ऑप्शन होने के बाद आपके गैलरी में जाकर यानी सेव हो जाएगा, उसे आप प्रिंट भेज सकते हैं। चलो हम उसे ओपन करते हैं, जो मैंने अपार्टमेंट ली थी ऑनलाइन, जो मैंने अपार्टमेंट ली उसे चलो ओपन करते हैं। डाउनलोड फाइल में चला गया हम, चलो इसे अपार्टमेंट फाइल को ओपन करते हैं। ये देखो मेरी अपार्टमेंट फाइल ओपन हो गई। इस तरह घर बैठे ही आप अपनी यानी कि आधार कार्ड संशोधन के लिए अपना अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको जो यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ चैनल को जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।